नमस्कार, मेरा नाम मोहित है, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में भारत ने अपने लंबे समय से विलंबित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के कोर को लोड कर दिया है, जिससे भारत अपने स्वघोषित तीन चरण के परमाणु कार्यक्रम के चरण दो, जो कि यूरेनियम और प्लूटेनियम द्वारा संचालित है, के शिखर पर पहुंच गया। चरण तीन तक भारत को उम्मीद है कि वह परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने और कुछ ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करने के लिए थोरियम के अपने विशाल भंडार का उपयोग करने में सक्षम होगा। लेकिन परमाणु ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उपयोग के साथ एक कठिन समस्या भी जुड़ी है, वह है परमाणु कचरे का अपशिष्ट प्रबंधन। सबसे पहले जान लेते हैं कि परमाणु कचरा क्या है। परमाणु कचरा परमाणु रिएक्टरों का उपोत्पाद है, जैसे जब यूरेनियम 235, बेरियम 144 और क्रिप्टन 89 में विभाजित होता है। इन बचे हुए तत्वों का विखंडन नहीं हो पाता, इसलिए वे बेकार हो जाते हैं। यह गैस तरल या ठोस रूप में हो सकता है। रेडियोधर्मी कचरे के आधार पर रेडियोधर्मिता का स्तर भी भिन्न हो सकता है। कचरा कुछ घंटों या कई महीनों या सैकड़ों हजारों वर्षों तक रेडियोधर्मी बना रह सकता है। ऐसे में पर्यावरणीय नुकसान से बचने के लिए सावधानीपूर्वक भंडारण की आवश्यकता है। परमाणु कचरे को संभालने के मुख्य रूप से खर्च किए गए ईंधन का प्रबंध शामिल है, जो गर्म और रेडियोधर्मी दोनों हैं। प्रारंभ में इस खर्च किए गए ईंधन को संभावित रूप से दशकों तक ठंडा करने के लिए पानी के नीचे संग्रहित किया जाता है। ठंडा होने के बाद इसे लंबे समय तक भंडारण के लिए सूखे पीपों में स्थानांतरित किया जाता है। अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों वाले देशों ने बड़ी मात्रा में प्रयुक्त ईंधन जमा कर लिया है, जिससे भंडारण समाधान की आवश्यकता होती है, जो आधुनिक मनुष्यों के इतिहास से कहीं अधिक समय तक मानव संपर्क से अलगाव सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा संयंत्र तरल अपशिष्ट को संसाधित करते हैं, जिसमें अल्पकालिक रेडियो न्यूक्लाइड के साथ उपचारित पानी को पर्यावरण में छोड़ना शामिल हो सकता है। जैसा कि जापान के फुकुशिमा संयंत्र से प्रशांत महासागर में उपचार और निर्वहन के साथ देखा गया है। खतरे के स्तर के आधार पर अन्य तरल अपशिष्टों को विभिन्न माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। भारत में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम निकालने के लिए खर्च किए गए ईंधन के पुनः प्रसंस्करण के कारण तरल अपशिष्ट में मौजूद शेष विखंडन उत्पाद अतिरिक्त दुर्घटना खतरे पैदा करते हैं और सुरक्षित भंडारण की आवश्यकता होती है। अब बात करें भारत में परमाणु कचरे के निपटान की, तो भारत में ट्रॉम्बे, तारापुर और कलपक्कम में सुविधाएं हैं। ट्रॉम्बे प्लूटोनियम उत्पादन के लिए ईंधन का पुनः प्रसंस्करण करता है, जबकि तारापुर और कलपक्कम बिजली रिएक्टरों से खर्च किए गए ईंधन को संभालते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन साइट पर निम्न और मध्यवर्ती स्तर के कचरे का प्रबंधन करते हैं, इसका उपचार करते हैं और इसे विशेष सुविधाओं में संग्रहित करते हैं। 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न और मध्यवर्ती स्तर के कचरे का प्रबंधन परमाणु ऊर्जा स्टेशनों पर ऑन साइट ही करते हैं। इन सब प्रक्रियाओं में विभिन्न पर्यावरण, परिचालन और वित्तीय चुनौतियाँ शामिल हैं, जिनको भारत को देखना होगा।